अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इट्स मी रेटिशनक्सा, वेलकम टू माय हिजाब सीरीज। तो आज जो है हम सीखेंगे हिजाब विद क्लासेस, ठीक है। तो आज जैसा कि मौसम भी चेंज हो रहा है, कुछ उस लिहाज से भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी और हिजाब कैसे करते हैं ग्लासेस के साथ। मुझे बहुत ज्यादा इसकी रिक्वेस्ट आई कि प्लीज आप हमें ये वाला हिजाब जो है सिखा दें कि कैसे करेंगे, ठीक है जनाब। तो मैंने बड़ी मुश्किल से जो है वो सारी क्लासेस जो है वो इकट्ठी की है आप लोगों के लिए। तो आज हम सीखेंगे डिफरेंट तरीके से हिजाब। ये मैंने हिजाब नहीं लिया हुआ है, ना ही मैंने ये जो कोई स्टाइल वगैरह अपनाया है। ये मैंने सिंपल जो है मेरे पास एक ये फ्लेक्सिबल कपड़े में ना एक मेरे पास हिजाब था जो कि मैं लाई थी टर्की से। ये इस तरह है, इस तरह करके ना ये यहाँ पे बांधते हैं। तो खैर मुझे ये अच्छा नहीं लगा था, मैंने इसको नेक कवर करने के लिए ना इसको ऐसे लगा लिया, ठीक है जी। अब हम इसके ऊपर ही हिजाब करेंगे। और आप लोग जो है ये वाला अगर बन किसी ने सीखना है तो आप लोग, मैं ये वीडियो यहाँ पे टैग कर दूंगी, आप लोग जो है वो देख लीजिएगा कि कैसे बन बनाते हैं। अगर किसी ने नहीं बनाना है देयर इज नो इशू, किसी ने बनाना है तो बना लो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है जी। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं अपना फर्स्ट हिजाब ट्यूटोरियल। अच्छा जी, ये मैंने जो है इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन ब्लैक का हो सकता है, व्हाइट का हो सकता है या ग्रे का हो सकता है। तो अब हम जो है सबसे पहले व्हाइट का करेंगे। व्हाइट वाला ये वाला हिजाब है, मैं सर्दियों वाला हिजाब ले रही हूँ, सूती कपड़ा है जो मोटे वाला जो होता है ये वाला, देख लिया होगा ये देखें, ठीक है। इसकी जो लंबाई है ना वो अक्सर लोग पूछते हैं कितनी लंबाई वाला हिजाब होना चाहिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक गज, दो गज, सवा दो गज का है जनाब, आई थिंक मैंने सही बताया होगा, दुकानदार ऐसे बताते हैं बस जी ये देखें, ठीक है जी। और ये जो इसकी ये वाली चौड़ाई है ये 1 मीटर है, ठीक है। इससे बहुत ही अच्छा हिजाब होता है जी जनाब। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये वाला हिजाब लिया है, ठीक है। और इसका जो है मैं आज हर हिजाब में आपको नकाब और साथ में जो है वो ग्लासेस दोनों तरीके बताऊंगी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ये मैंने लिया है हिजाब, इसके बाद हमने ऐसे करके इसको यहाँ पे एक पिन लगानी है इसके, और एक लगानी है हमने यहाँ पे, ये लगा दी, ओके। अब यहां से अगर हमने निकाब करना है साथ में ग्लासेस भी पहननी है तो हम क्या करेंगे, ये देखिए जो मैंने टर्न किया था ना ये यहां से हमने खोल देना है, यहां पे पिन लगा दी है ना तो यहां से हम खोल देंगे, ठीक है। यहां से अब हम करते हुए यहां से इसको अटैच कर देंगे। अगर इन द केस आपने निकाब भी करना है ताकि निकाब वाली जो प्रिंसेस है हमारी वो दूर ना रह जाए, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहां से सिंपल करके देंगे ये वाला, ये ज्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है जी। ये हमने अच्छे से एक लगा दी है पिन यहां पे। हमारा जो है ये वाला ट्यूटोरियल, अच्छा वो ग्लासेस तो मैंने लगाए ही नहीं है। अच्छा ये देखो ये ग्लासेस थी और ये ठीक हो गया। अब ये देखिए आप पीछे से भी ठीक है कवर है और आगे से भी फुल कवर है। इसको उतार के सिंपल जो है यहां पे हम लोग पिन लगा देंगे, ओके हो गया पिन लग गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप अंदर डालो इस तरह करके ग्लासेस, या फिर आप इसमें अक्सर होता है कि जिन्होंने कैप नहीं पहनी होती तो उनके बाल यहां से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, अदरवाइज आप इस तरह भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहां से किया और इसके बाद यहां से करके ऐसे कर लिया। अच्छा यहाँ पे आपने ना एक और बात याद रखनी है, जहां पे आपने ग्लासेस लगाई ना इसके नीचे करके आपने पिन लगानी है, ठीक है, ताकि हमारे ग्लासेस के लिए भी जो है वो नीचे ना गिरे। यहाँ पे अक्सर होता है ना इस तरह होने शुरू जाती है टेढ़ी, तो आपने यहाँ पे इसके नीचे लगानी है ताकि वो हमारी ग्लासेस वहां से हिले नहीं, उसको नीचे से सपोर्ट मिल जाए यहां से, ठीक है जी। ये देखे जी इसमें भी आगे से पूरा कवर है, ये देखे आगे से भी पूरा कवर है और ये देखें पीछे से भी सारा कवर है, ठीक हो गया। तो ये था हमारा एक फर्स्ट हिजाब ट्यूटोरियल। अब हम चलेंगे सेकंड की तरफ जी जनाब। तो नेक्स्ट जो है हिजाब हम ब्लैक के साथ करेंगे, ब्लैक के साथ। और ये वाला जो है मैंने एम्ब्रॉयडर्ड लिया हुआ है,
ठीक है, ये देख लें, ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन मैंने एक तरफ से फोल्ड किया, ये हमने किया, और इसको हमने ऐसे करके ना यहाँ भी इसको, इसके साथ ना आपको पट्टी पहनने की जरूरत भी नहीं है, इसको करके ऐसे करके, एक मिनट, इसको मैं अटैच करती हूँ पीछे। अब मैं लगाऊंगी इसके अंदर पिन, यहां से करके आपने इस तरह करके पिन लगा देनी है पीछे, ये मैंने लगा दी है पिन, ठीक है जी। ये हमारी एक मिसाल की ना यहाँ पे वो भी बन जाती है कैप भी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको करना है दोनों को आगे, ठीक है, इसको भी करना है आगे, ठीक है। अब इसका यहाँ से आप नकाब भी बना सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा आप इसको ऐसे कर लो अंदर को, और भी लगा लो, ठीक है, ये हो गया। अब देखना, अब हम अपनी ग्लासेस निकाल लेंगे, ठीक है, दिस वन। अब इसको अंदर को करना है अंदर को कर लो, बाहर को करना है बाहर को कर लो, ठीक है, ओके हो गया। अब हमने यहां से इसको पकड़ना है, ये देखो ये वाला चीज है ना, ये इस तरह करके बांधी हुई है, ठीक है। अब यहां से पकड़ना है हमने इसको ऐसे करते हुए, ठीक है, यहां पे आप लगा दो, पर चले हम जरा ये वाली लगाते हैं, बटरफ्लाई वाली लगाते हैं, ठीक है, पीछे से भी दिखाती हूँ आप लोगों को, ये पीछे से है, ठीक हो गया, और ये हमारा जो है आगे से है, ओके, ये देखें। इसको अगर नहीं करना है ना, इसको इस तरह कर लो आप, इस तरह करके इस तरह अंदर को फोल्ड करके यहां पे लगा लो, ठीक है। चले जी, ये देखिए हमारा हिजाब तैयार है, ये भी हमारा एक हिजाब ट्यूटोरियल तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं विदाउट निकाब, निकाब की तरफ, विदाउट निकाब कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ये देखें यहां से करके इसको ऐसे करेंगे, लाइक ये देखिए इसको ऐसे कर लिया, डबल डबल करने के बाद इसको हमने किया ऐसे करके, ठीक है, ये देखिए। अभी हम यहाँ पिन कोई लगाएंगे नहीं, अच्छा जी, यहां से हम सिंपल यहां पे करके इसको अटैच कर देंगे, ठीक है, और ये वाला हम सिंपल क्या करेंगे, इसको ऐसे करके ना, ऐसे करके बस, ठीक है, समझ लग गई, ये देखिए। जो लास्ट वीडियो में मैं किया था वो ये वाला था, अगर आपने पिन लगानी है तो लगा लो यहां पे करके, ताकि आपकी नोक ना खराब हो, ये वाली, वेट, क्लासेस तो हमारी रहती है, ठीक है, जैसे दुपट्टा लेते हैं ना हम लोग, ये इस तरह होगा, ये देखेंगे ये आगे से, ठीक है, इसको जितना मर्जी आप आगे कर लो, कवर कर लो, और ये हमारा जो है पीछे से है, ठीक है, पीछे से भी अच्छे से कवर है, आगे से भी अच्छे से कवर है, तो ये हमारा जो है हिजाब ट्यूटोरियल रेडी है। आई थिंक ये लाइट का जो है वो आ रहा है अंदर, चलिए एनीवेज हम चलते हैं नेक्स्ट हिजाब ट्यूटोरियल की तरफ। जी जनाब, तो अब हम सीखेंगे ग्रे हिजाब के साथ, और मैंने नीचे से जो कैप है वो उतार दी हुई है, ठीक है, और इसके ये वाला मोटिफ बना हुआ है एक साथ, और इसका जो फैब्रिक है ना वो है प्योर, इसको प्योर, और इसको ऐसा कुछ कहते हैं, ये देखें
मुझे नेम याद नहीं है, बट जो भी है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, जो भी हो या कमेंट में बता दूंगी, ठीक है। अच्छा खैर, इसके एक यहाँ पे मोटिफ बना हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, इसका सिंपल सा है ये जैसा कपड़ा है ना, इसका बड़ा प्यारा सा लगता है हिजाब। इसके पहले मैं ग्लासेस पहन लूंगी, ठीक है, और ये ग्लासेस पहन ली मैंने, और इसको सिंपल ये देखें जो यहां से इसकी चुनट पड़ती है ना, ये बड़ी अच्छी लगती है बेबी सी। सिंपल इसको यहां से करके और यहां से करके इसको ऐसे हम लोग बस रोल अप कर देंगे, ठीक है जी। ये देखें, यहां से थोड़ा सा मैसी मैसी सा रखना है आपने, ठीक है। और ये हमारा जो है एक हिजाब रेडी, इतना इजी, ठीक है। ये देखें, ये बहुत प्यारा सा लगता है यहाँ से जब मैसी मैसी सा होता है ना, इसके जो वेव्स आती हैं कपड़े की बहुत प्यारी लगती हैं, एलिगेंट सी लगती हैं, ठीक है। ये देखिए, ये पीछे से है हमारा और ये आगे से हमारी पूरी नेक कवर। आगे से हम लोग यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के अंदर कर लो, ठीक है, और यहाँ से आप इसको ऐसे ले आओ, यहाँ पे आप पिन लगा सकते हैं। आगे से हमारा रोल अप हो गया और ये ऐसे करके यहाँ पे भी आप पिन लगा सकते हैं अगर लगाना चाहते हैं, अदरवाइज इट्स कंप्लीट, ठीक हो गया। यहाँ पे हम पिन लगा लो, लगानी है तो लगा लो, हम चले इसी के साथ एक और हिजाब मैं फटाफट से आपको करके दिखाती हूँ जी। जनाब, तो नेक्स्ट हिजाब है, हमने इसको थोड़ा सा ये बड़ा रखना है, मतलब ये देखें ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये ज्यादा छोटा नहीं है। नेक्स्ट जितने भी हिजाब है उसमें ये चीज हम ज्यादा छोटी रखते हैं, इसमें इतनी ज्यादा छोटी नहीं रखनी है, इतना रखना है कि आपके आगे से दुपट्टा टाइप बन जाए, ठीक है। यहां से इसको सिंपली इस तरह करके हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एक पिन, ठीक है, एक यहाँ पे लगा दी और एक सिंपल हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। अब इसको यहां से हल्का सा करके ना और यहां से इसको ऐसे कर देना, ठीक है, ये भी बहुत एलिगेंट सा लगता है। ओके हो गया, यहां से इसको अच्छे से सेट करके ना यहां से हल्का हल्का सा खींच लेना और ये हमारा जो है वो हिजाब हो गया एक और रेडी। और अब हम लगाएंगे इसके ऊपर दिस वन, ठीक है, और ये देखें पड़ रहा है। अच्छा जी, ये देखें आगे से ये, ठीक है, और पीछे से ये वाला, ओके, ये देखें ठीक हो गया। तो ये था हमारा एक क्विक सा हिजाब ट्यूटोरियल। अब मैं इसको उतार दूंगी क्योंकि वो रिंग लाइट का आ रहा है, ठीक है। तो जी जनाब, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस सब हिजाब ट्यूटोरियल जो है पसंद आए होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 थे या 4 थे, जितने भी थे, आप लोगों को जोन सा भी अच्छा लगा है वो मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है मिल सके। और आपको और किस किस तरह के किस किस स्टाइल के हिजाब चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।